आपको पता है कि डेवलपर इस पे इंस्टॉल्ड है 10G, ठीक है, सोर्स वगैरह इनको दे दीजिएगा 10G का। किनको सर? ये इनको दे दीजिएगा, ठीक है, सोर्स इनसे ले लीजिएगा फ्लैश ड्राइव के थ्रू, ठीक है, 10G का। अब ये इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, जो आपको लिंक यहाँ पे नजर आएगा, ये देखें, ऑरेकल डेवलपर सूट, ऑरा डेव होम, ये सारे एक पूरा सूट है जिसमें आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिस्कवरिंग कर सकते हैं, फॉर्म्स, जे डेवलपर, रिपोर्ट बिल्डर, लेकिन हमने जो पढ़ना है वो क्या है, फॉर्म्स बिल्डर, क्योंकि डेवलपर सूट मैंने बताया था कि एक कंप्लीट सूट है पूरा, एक आप जब इसमें इंस्टॉल करते हैं इस पैकेज को, तो इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, जिसपे आप फॉर्म भी बना सकते हैं, रिपोर्ट भी बना सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं, जे डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो लोग जावा जानते हैं, यानी कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का .NET फ्रेम है, इसी तरह ऑरेकल का भी एक लाइक .NET फ्रेम आप कह लें, जे डेवलपर, जिसमें कंप्लीट प्योर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जा सकती है, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक जानते हैं तो जे डेवलपर में बहुत आसानी से विजुअल सारे फॉर्म एडिटेटिव फॉर्म वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि इसका एक अलहदा कोर्स है, रिपोर्ट बिल्डर है, लेकिन हमें जो पढ़ना है 10G का वो पढ़ना है फॉर्म बिल्डर। स्टार्ट करते हैं फॉर्म बिल्डर। अच्छा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी काफी ज्यादा लोड है, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर 11G 10G बहुत सारी अजीब इंस्टॉल्ड हैं, तो मैंने इसकी सर्विसेज जो है वो स्टॉप की हुई है, तो ये सर्विसेज जो मुझे स्टार्ट कहां से करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से, ठीक है, सर्विसेज, इस तरह रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ठीक है, परेशान नहीं होना, लेक्चर सारा रिकॉर्ड हो रहा है। स्टैंडर्ड में ऑरेकल की जो सर्विस मैंने बताई थी कि दो सर्विसेज आपकी चलनी चाहिए डेवलपर्स को 10G चलाने के लिए, क्योंकि अभी डेटाबेस भी इसी पे इंस्टॉल्ड है और डेवलपर सूट भी इसी पे इंस्टॉल्ड है। डेटाबेस जो इंस्टॉल्ड है वो क्या है, 10G इंस्टॉल्ड है, और जो डेवलपर सूट है वो भी क्या है, 10G इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यहां पे जो ऑरेकल की सर्विस चल रही है उसमें से जो आपने सर्विस चलानी है वो है 10G लिसनर की, क्योंकि सर्वर साइट पे, डेटाबेस साइट पे दो सर्विस जरूर स्टार्ट होनी चाहिए। सर्वर साइट पे जो भी सर्वर हो, चाहे आपका सर्वर कहीं और पड़ा हो, क्लाइंट कहीं और हो, लेकिन डेटाबेस सर्वर साइट पे दो सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए। कौन कौन सी? लिसनर की और डेटाबेस की। तो पहले लिसनर की स्टार्ट करनी सर्विसेस। सर बंद क्या है? मैंने उसको मैनुअल किया हुआ है ना, सारी प्रोसेस है, पहले लिसनर को बंद करें या पहले डीबी को बंद करें? पहले आप डीबी को बंद करें फिर लिसनर को बंद करें, उसको एरर नहीं देगा, नहीं कोई एरर नहीं, यानी कि ये मैंने सारी सर्विस मैनुअल की नहीं, चाहे जब मेरा लैपटॉप लोड हो तो ये स्टार्टअप में टाइम ना ले, जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं उसको ओपन कर लूं सर्विसेस को, ठीक है। तो लिसनर की सर्विस स्टार्ट कर दी और डेटाबेस 10G की सर्विस, क्योंकि इसमें 9i भी इंस्टॉल्ड है, 9i का लिसनर भी, लेकिन मुझे 10G चलानी है, तो 10G का लिस्टर मैंने स्टार्ट किया और 10G ही की सर्विस, डीबी नेम है 10G, डीबी नेम जी 10G सर है हमारा डेटाबेस। हाँ, अभी 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 चलाऊंगा, अभी तो बंद है, मैनुअल है, देखें अभी तो बंद है अभी, नहीं सर पहले मसला आ रहा था ना इसमें। हाँ नहीं, अब चल रहा है इसमें, कोई ऐसा नहीं है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप सिंपल अगर मैं समझ रही आपको बताऊं कि पहले अगर आपने डेटाबेस इंस्टॉल करनी है, उसके बाद आपने डेवलपर सूट इंस्टॉल करना है। अब बैकएंड पे डेटाबेस चाहे 9i हो, 8i हो, 10G हो, 11G हो, उसे गर्ज नहीं है। फ्रंट एंड पे भी आपका फॉर्म्स 10G या फॉर्म 11G या 9i जो भी हो सकता है, बैकएंड पे डेटाबेस कोई भी आपकी हो सकती है। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने तमाम सर्विस मैंने बंद की हुई थी, जो मुझे दो सर्विस रिक्वायर्ड है मैंने वो ओपन की, कौन कौन सी, लिसनर की और दूसरी डेटाबेस सर्विसेज की। नहीं सर, सुनिए मैंने कल ही टू साइड को
सिक्योरिटी प्रॉब्लम। रिबंद नहीं होगा, ठीक है जी। ये दो सर्विसेज आपकी जो है स्टार्टेड है, एक लिसनर की, दूसरी डेटाबेस की। दो सर्विस स्टार्टेड होगी तब आपका ये डेवलपर सूट 10G जो इंस्टॉल्ड है, ठीक है, आप देखेंगे बिल्कुल जो पुराने फॉर्म की तरह ही मिलता जुलता है, लेकिन इसका वर्जन जो है वो 10G है। तो यहां से मैं इसको कैंसिल करता हूं, ठीक है, कैंसिल, ठीक है। अभी ये जो डेवलपर है इसकी पहचान ये कि ये डेटाबेस के साथ अभी कनेक्ट नहीं है, इसकी क्या पहचान है कि यहां पे प्लस साइन नहीं है, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक करें या फाइल में जाके कनेक्ट, ठीक है, यहां पे जो यूजर नेम आपको पता ही है स्कॉट होगा, एज ए प्रैक्टिस के लिए टाइगर, और जो सर्विस डीबी का नाम क्या है, DB10G, तो मेरी जो सर्विस बनी हुई उसका नाम है DB10G। ठीक है जी, ये आपका प्लस साइन है। यहां से अगर चाहे तो डेटाबेस को भी आप एक्सप्लोर यहां से कर सकते हैं, उसके सारे टेबल्स वगैरह, प्रोसीजर्स, जावा के प्रोग्राम्स, टेबल व्यूज सारे यहां से, इवन के उसके कॉलम भी देख सकते हैं, फिर अगर डेटाबेस ट्रिगर्स लगे वो भी देख सकते हैं, उसके कॉलम्स वगैरह। तो अभी मेरा जो मैं डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्टेड हूं, ठीक है। तो अब मुझे यहां पे सिर्फ इसको बंद करते हैं, मुझे सिर्फ दो सर्विस यहां स्टार्ट करनी थी, वो मैंने कर दी है और डेटाबेस के साथ अभी कनेक्टेड है। तो वैसे तो एक नया बेसिक फॉर्म बनाना बहुत इजी है, इसमें फॉर्म बिल्डर में क्या है, बेसिकली आप फॉर्म डेवलप करेंगे, डेटा एंट्री फॉर्म्स वगैरह। तो क्योंकि लास्ट टाइम ये एक विजिटर के थ्रू फॉर्म बनाना ये हम पढ़ चुके हुए हैं, आज हमने जो पढ़ना था मैनुअल फॉर्म, मैनुअल फॉर्म कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले हाँ वो सारा मैं बता देता हूँ अभी आपको, और फॉर्म को रन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक नया फॉर्म बनाता हूं। मैंने बताया था फॉर्म बनाने के लिए आपको 3 मेजर ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई भी फॉर्म बनाने के लिए। एक मॉड्यूल में अगर आप उसको रिमूव कर दें तो ये एक क्रिएट किया, तो यहां पे मॉड्यूल, ठीक है, तो उस मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। जो आप आगे पढ़ेंगे तमाम चीजें आगे पढ़ेंगे, ट्रिगर अलर्ट्स, अटैक लाइब्रेरी, ब्लॉक्स, कैनवस, लेकिन एक फॉर्म बनाने के लिए, एक फॉर्म मॉड्यूल बनाने के लिए आपको 3 ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है। नंबर 1 पे डेटा ब्लॉक, नंबर 2 पे कैनवस, और जब आप मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो विंडो ऑटोमेटिक मिल जाती है, विंडो बनाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, डेटा ब्लॉक एंड कैनवस। अच्छा, मैंने आपको इसी एग्जाम्पल दी थी कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी थी कि आप घर पे अक्सर फोटो लगाते हैं, तो उस फोटो का मटेरियल क्या होता है, कैनवस होता है, कैनवस के ऊपर आपकी स्नैप होती है और वो एक फ्रेम में होता है, तो वो लाइक एक फॉर्म। तो ये भी, तो यहां पे भी हमें फॉर्म बनाने के लिए 3 ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, कैनवस हमें, वो गत्ता चाहिए, वो फोटो चाहिए और वो फ्रेम चाहिए। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, जो फोटो को यहां हम क्या बोलेंगे, डेटा ब्लॉक्स, इस सोर्स के आपने क्या इनपुट लेनी है या क्या दिखाना है। यानी कि डेटा ब्लॉक का मतलब कि जो टेबल के साथ, डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनके साथ जो एसोसिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा ब्लॉक। बैकएंड पे टेबल्स में कॉलम्स होंगे, टेबल्स के कॉलम्स, लेकिन जब उसी टेबल को फॉर्म पे एक्सेस कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डेटा ब्लॉक, और उसके अंदर जो कॉलम्स है वो क्या बन जाएंगे, आइटम्स। यानी कि डेटा ब्लॉक्स की बात करूंगा यहां पे मैं, तो आइटम्स की बात करूंगा, तो आइटम्स का मतलब बैकएंड पे कॉलम्स है और ब्लॉक का मतलब है वो टेबल है। तो स्टार्ट करते हैं, डबल क्लिक कर दें यहां पे, या जो प्लस साइन पे आप क्लिक कर दें, टूल पे जाकर चले जाएं, डेटा ब्लॉक विजर्ड, क्योंकि मुझे बनाना है डेटा ब्लॉक सबसे पहले। यानी कि एक विजर्ड होगा जिसकी बेस पे आप इस ब्लॉक में एक टेबल एसोसिएट करेंगे, डेटाबेस का टेबल, जो आपको बता भी रहा है क्योंकि आपकी डेटाबेस है। स्टार्ट कर रहा है, वायरस खुल गया, जी
तो ये आपको ग्राफिकली बता रहे हैं कि आपको डेटाबेस है, उस पर आप क्या बना रहे हैं, ब्लॉक्स बना रहे हैं। तो ब्लॉक्स जो आपने बनाना है, डेटा ब्लॉक, वो टेबल और व्यू, बैकएंड पे टेबल भी होते हैं, व्यूज भी होते हैं, तो उसकी बेस से बनाया जा सकता है। अगर आप पीएल सीक्वल को जानते हैं तो आप स्टोर प्रोसीजर की बेस पे भी डेटा ब्लॉक बना सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने पढ़ना है वो क्या है, टेबल या व्यू पे डेटा ब्लॉक आपने क्रिएट करना है। नेक्स्ट, यहां से आपने जिस टेबल पे आपने या व्यू पे ब्लॉक बनाना है उसको यहां से ब्राउज करना है। अगर टेबल का नाम जबानी पता है तो जबानी लिख दें। अगर आपको टेबल नेम, सपोज टेबल नेम ईएमपी है, तो एंटर करेंगे तो उसका वो टेबल के कॉलम आ जाएंगे। देखिए एंटर करो और यहां पे वो उसके कॉलम आ गए, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्म बिल्डर डेटाबेस के साथ कनेक्टेड था, तो यहां पे क्या है, उस टेबल के तमाम क्या है, कॉलम्स हैं। देखिए यहां पर बता भी रहा है अवेलेबल कॉलम्स, और जैसे ये एक ब्लॉक का पार्ट बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, उसकी आइटम्स बन जाएंगी। तो अगर आप टेबल जुबानी याद नहीं है तो आप यहां से ब्राउज करके भी वो उस करंट यूजर के तमाम टेबल को देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको टेबल यहां पे चाहिए उस पर आप बना सकते हैं। तो मैंने यहां पे जो है सब के सब मैं वो कॉलम के आइटम्स ले लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, जो टेबल का नाम है वही ब्लॉक का नेम है, ठीक है। और अब आगे कह रहे हैं कि खाली ब्लॉक बनाना है कि आगे मुझे इसका गत्ता यानी कि कैनवस यानी कि लेआउट भी बनाना है, तो मुझे आगे इसका लेआउट भी बनाना है जो डेटा एंट्री डिस्प्ले के लिए। फिनिश जैसे करूंगा तो अगला वीडियो स्टार्ट कर देगा, वेलकम टू द लेआउट विजिट, डिस्प्ले द नेक्स्ट पेज। तो अभी कह रहा है कि ये आपने एक नया कैनवस, न्यू कैनवस, कैनवस की आगे टाइप्स हैं, आगे पूरा एक चैप्टर आएगा कि कैनवस की क्या क्या टाइप्स हैं। बाय डिफॉल्ट अभी समझने के लिए सिर्फ मैं क्या चूज कर रहा हूं, कॉन्टेंट कैनवस। और आगे नेक्स्ट, तो ये आपका ब्लॉक सिलेक्टेड है, उसकी ये आइटम सिलेक्टेड है, तो इनको मुझे बनाना है डिस्प्ले का पार्ट, तो मैंने तमाम आइटम सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट, अच्छा यहां से इवन ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने डिपार्टमेंट नंबर को कोई और आइटम देनी है, लाइक चेक बॉक्स, रेडियो बटन, यानी कि आप चेंज भी कर सकते हैं, या टी लिस्ट वगैरह आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे जो बाय डिफॉल्ट आइटम्स बनेंगी वो क्या होगी, टेक्स्ट आइटम्स होंगे डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से आप वो ग्राफिकली बता रहा है कि ये आप उसका लेबल प्रॉम्प्ट और उसकी टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ और विड्थ को यहां से चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सेल से क्या हो जाए, सैलरी हो जाए। नेक्स्ट, एंड टेबुलर है, टेबुलर में क्या होगा, एक वक्त में एक ज्यादा रिकॉर्ड आएंगे और फॉर्म में क्या होगा, एक वक्त में एक ही रिकॉर्ड एंटर होगा, तो मैं यहां पे टेबुलर ले लेता हूं। नेक्स्ट, फ्रेम का नेम कोई भी दे दें आप, इंप्लाइज कितने रिकॉर्ड एट अ टाइम हम दिखाने हैं, 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन रिकॉर्ड्स यहां पे मैं कहता हूं जी मुझे कोई नहीं, यानी कि ये होता है कि एक रिकॉर्ड का दूसरे रिकॉर्ड में कितना फासला हो, तो मुझे रिकॉर्ड बिल्कुल साथ साथ दिखा रहे हैं जुड़े हुए, तो यहां पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड से मुझे 5 दिखाने हैं और साथ में स्कोर बार दिखानी है। नेक्स्ट, एंड फिनिश, ठीक है, ये आपका एक फॉर्म बन गया है। तो इसमें जस्ट हमने विजिट से हमने फॉर्म बना लिया है, अब इस फॉर्म को सेव करना है, सेव आपका फोल्डर बना हुआ है एफ ड्राइव पे फॉर्म्स के नाम से, ठीक है, फॉर्म्स के नाम से ये है फोल्ड। तो यहां पे मैं नया फॉर्म ले लेता हूं, इसका नाम दे देते हैं एम टेबुलर विजिट के थ्रू बनाया, मैंने नाम दे दिया फॉर्म का कि एम क्या है, टेबुलर है और विजिट के थ्रू बनाया, नाम को भी दे सकते हैं जो एक्सटेंशन है क्या इसकी, डॉट एफ एम बी बाइनरी फाइल सोर्स फाइल, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गया है, अब इस फॉर्म को कैसे रन करना है, ठीक है, फॉर्म को रन अगर मैं करता हूं, क्योंकि ये है 10G है, अभी जो पिछले जो आपका ये था फॉर्म बिल्डर वो था क्लाइंट सर्वर, यानी कि आपके सर्वर है और क्लाइंट है, यानी कि क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, वो ऐसा एनवायरमेंट क्या कहलाता है, क्लाइंट सर्वर एनवायरमेंट, वो था आपका फॉर्म 5 में, जब फॉर्म 6 आया, 6 आई